दोस्तों स्वागत है आप सबका मेटा के और एक एपिसोड में, और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है यार दोस्तों, यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफ वॉशिंगटन डीसी के बारे में, और ये अपडेट आ रहा है दोस्तों लो कैलोरीज शुगर के बारे में। हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन लोगों को यहाँ पे शुगर वो इंटेक नहीं कर सकते, लेकिन डायबिटीज वाले लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ शुगर यहाँ पे इन्वेंट किए जाते हैं। और उसके बारे में अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफ वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए के साइंटिस्ट ने यहाँ पे लो कैलोरी शुगर है उसको बनाया, और ये जो बनाया है लो कैलोरी शुगर ये स्पेशली बैक्टीरिया की वजह से बनाया, बैक्टीरिया की तरफ से बनाया, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। और यहाँ पे इस शुगर का नाम है दोस्तों टैग टोस्ट शुगर, और इसके जो कैलोरी है वो नॉर्मल शुगर से काफ़ी कम है, लेकिन जो हम सकते हैं इसके जो टेस्ट है वो सिमिलर टू नॉर्मल शुगर है, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। अभी दोस्तों दूसरा जो अपडेट है यार दोस्तों थर्मल कैमराज के बारे में, थर्मल कैमराज मतलब ये वो कैमरा जो आपको नाइट विजन देती है, यानी अगर आप रात में भी उन कैमरा से देखती हो तो आपको क्लियर विजन मिलती है। ऐसे कैमराज को यहाँ पे आने वाले दिनों में यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एजेड लोगों के बीच में बहुत यहाँ पे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी को आने वाले दिनों में यहाँ पे थर्मल कैमराज की वजह से डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो अपडेट यार दोस्तों एनिमल हेल्थ चेकअप के बारे में भी अपडेट आ रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है, जहाँ पे जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एज 40 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, उन सारे लोग यहाँ पे एनिमल हेल्थ चेकअप की स्कीम यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। और इस वजह से यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी सारे एम्प्लॉयज उन सारे लोगों की यहाँ पे हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और उसी के बारे में अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे जो स्कीम है ये फाइनली रोल्ड आउट हो चुकी है, यहाँ पे मार्केट में आ चुकी है, और इस वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइप किया है प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ, और ये यहाँ पे एनिमल हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी स्कीम है। अभी दोस्तों चौथा जो अपडेट है यार दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में, और ये अपडेट आ रहा है उनके डायबिटीज मैनेजमेंट ड्रग के बारे में। इनके डायबिटीज मैनेजमेंट ड्रग को फाइनली यहाँ पे USFDA की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, यानी ग्लेनमार्क यहाँ पे उनके डायबिटीज वाली ड्रग यहाँ पे अमेरिका में और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में उतार सकता है, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। और इस वजह से यहाँ पे आने वाले दिनों में यहाँ पे डायबिटीज के लिए और एक नए ड्रग का ऐलान हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट जो अपडेट है यार दोस्तों रैपमपसिन क्रीम के बारे में, जो कि ऑपरेशन के बाद या फिर ऑर्गन हीलिंग या फिर स्किन हीलिंग के लिए मानी जाती है। रैपमपसिन क्रीम ऑपरेशन के बाद यूज़ की जाती है। इसके बारे में अपडेट आ रहा है कि ये जो क्रीम होती है हीलिंग के लिए यूज़ की जाती है या फिर कवरिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये क्रीम आने वाले दिनों में यहाँ पे स्लो एजिंग के लिए यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, यानी हमारी जो स्किन होती है एज के साथ यहाँ पे वो हो सकते हैं डल पड़ जाती है या फिर थोड़ी सी एजड हो जाती है, तो ऐसे स्किन को यहाँ पे हील करने के लिए या फिर अगर ये क्रीम आप यूज़ करते हो तो इस क्रीम की वजह से आपकी जो स्किन है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो जाएगी। हालांकि ये जो स्टडी है अभी तक ये ऐसा पूरा अपडेट नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एजेड वाली स्क्रीन को यहाँ पे हील करने के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट होगा रैपमपसिन क्रीम की तरफ से। ये थे मेडिकल दुनिया का अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ गया, अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा सा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।